अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर बड़ालालपुर स्थित जीवनदीप शिक्षण समूह परिसर में दो दिवसीय राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन भोजपुरिया बयार का आयोजन गत 21 व 22 फरवरी 2021 को किया गया। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे को जोड़ता है, अपनापन बढ़ाता है। भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भोजपुरी सम्मेलन के उद्देश्य बा भोजपुरी भाषा जौन आज अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई बा, आपन बोली आपन भेष भाषा भोजपुरी 16 देश, ये भोजपुरी पूरा 12-14 कंट्री में विशुद्ध रूप से बोलल जाला। इस भाषा के अभी तक भारत में 8वीं सूची में मान्यता नहीं मिलल। हमने के मुख्य मांग बा भारत सरकार से कि भोजपुरी के मान्यता दिहल जाए। आज झारखंड भारत के पहला राज्य बा जे भोजपुरी के द्वितीय राजभाषा के दर्जा देले बा, तो झारखंड सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से हमने के निहोरा बा कि झारखंड भोजपुरी के अकादमी बना करके अब भोजपुरी के द्वितीय राजभाषा के मान्यता जल्दी से प्राप्त करें। भारतीय संस्कृति का वैश्विक संचार भोजपुरी से ही संभव है। इसी के तहत राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन में काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें भोजपुरी कवियों ने अपने काव्य रचना से माटी की सुगंध को बिखेरा। चली कबूतर के जोड़ा जब हमारे यहाँ की छाँव में, आ जब कौनो परदेसी लोग के निकलत बैठत गाँव में, आ जब पीपल पर बैठी कची रही ठोग में ठोग मिलावे, जब पीपल पर बैठी कची रही ठोर में ठोर मिलावे, तोहार तब याद आवे। इस राष्ट्रीय भोजपुरी सम्मेलन में भोजपुरी रंग पूरी तरह से छाया रहा। शिक्षण समूह के परिसर में भारतीय संस्कृति का आभास कराती एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें झोपड़ी, कुआ, गवई हस्तशिल्प, पेंटिंग, लकड़ी के खिलौने, नगाड़े सहित विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से आगंतुकों को भोजपुरी परिवेश का एहसास ही नहीं कराया गया, बल्कि भोजपुरिया बयार की फिजा ही बन गई। हम भोजपुरी सम्मेलन में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं BFA, मतलब अपने फाइन आर्ट्स के थ्रू हम अपनी पेंटिंग्स, अपने कल्चर को दिखाने की, प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं इस भोजपुरी सम्मेलन में। और यहाँ पे पेंटिंग सेल वगैरह के लिए भी लगी हैं, जैसे कोई अगर विजिट करने आ रहा है, उसे पसंद आ रही है पेंटिंग्स, तो हम सेल भी कर रहे हैं। यहाँ पे आकर हमें बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, जैसे पेंटिंग्स हैं, क्राफ्ट के वर्क हैं, और यहाँ पे कठपुतली बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे डांस दिखाए गए हैं, और यहाँ पे मतलब जो भी हम भोजपुरी में आके जो हमें सीखने को मिला है, उससे हम बहुत अच्छा मतलब बहुत खुश हुए हैं। और यहाँ पे अच्छे अच्छे खिलौने हैं जिसे हमने सेल भी किया है, पेंटिंग्स है जो पसंद आई है बहुत सारे लोग को, हमने उसे भी सेल किया है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डांस भी दिखाए गए हैं, जैसे कथक है, सब हर प्रकार की चीज़ें भोजपुरी सम्मेलन में देखने को मिली है।